नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज सुबह राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अपना चेकअप कराने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की भीड़ अपनी अपनी शिकायतें लेकर उनके पास पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में पुलिस अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए औपचारिक भाषण के साथ कई व्यवहारिक और भावुक बातें कही। उन्होंने पुलिस की भूमिका के महत्व को दर्शाते हुए कहा कि आम लोग उन पर भरोसा करते हैं और इसे बनाए रखने के लिए सचेत रहना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो हमेशा इस बात को याद रखें कि क्या सोचकर पुलिस सेवा में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आज जयपुर पीसीसी वॉर रूम में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभाग प्रभारी उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी महासचिव व जिला अध्यक्षों के साथ संगठन की मजबूती व प्रदेश की आगामी चुनाव को लेकर बैठक हुई। राजस्थान के बालोतरा जिले में डोली, अराबाक और कल्याणपुर के लोग प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। इसके लिए लोग जोधपुर से आने वाली प्रदूषित पानी से परेशान हैं। ये समस्या 2008 से है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए 1 सितंबर को ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए फॉर्म भरने की आखिरी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। बुधवार देर शाम बोर्ड ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार 7 सितंबर 2024 तक ही कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से विधायक विधानसभा में विपक्ष के चीफ रफीक खान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक उनके घर के बाहर उनके साथ मारपीट की गई। आवास बनी पार्क में है, जहां पर सुबह जब रफीक खान इधर से निकलने लगे तो कुछ विवाद हुआ और एक महिला और उसके पति से कहासुनी हो गई। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी पर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा है कि इस बार उपचुनाव की सभी सीटें कांग्रेस के पास आएंगी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव पर सचिन पायलट ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हवा आने वाली है और बीजेपी का जाना तय है। हम लोग 6 की 6 सीटों पर जीत कर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। स्मृति ईरानी के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ने आज पहली बार राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी के स्वभाव और राजनीति करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक अलग चेंज आया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार और राज्य में महिला की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में आज भाजपा कांग्रेस रैली निकालने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने 29 अगस्त से विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस आज कोलकाता में रैली निकालने की तैयारी में है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार को हरुण की 2024 इंडिया के अमीरों की सूची में पहला स्थान मिला है। हरुण के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति में 95% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके साथ ही अडानी की संपत्ति अब 11.61 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। अरुण की सूची के मुताबिक भारत में अरबपतियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।